हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर वर्ल्ड के उस मैजिकल ऑब्जेक्ट की जिसने सभी व्यूअर्स और बुक रीडर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, और वो है सॉर्टिंग हैट, जिसे हिंदी में बोलती टोपी कहा गया है। वो टोपी जो बच्चों को उनके हाउस के लिए सिलेक्ट करती थी, यानी फर्स्ट स्टेज पर ही बच्चों का भविष्य डिसाइड कर देती थी। तो सॉर्टिंग हैट बेसिकली हॉगवर्ट्स के फोर फाउंडर में से एक गॉडरिक ग्रिफिंडोर, जिसके नाम पर ग्रिफिंडोर हाउस भी है, को बिलोंग करती थी। इस हैट को वो खुद पहन कर रखते थे, यानी ये हैट 1000 साल पुरानी थी हैरी पॉटर टाइमलाइन से। जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ हॉगवर्ट्स वाले वीडियो में देखा था कि चारों फाउंडर्स अपने पसंद के बच्चों को सिलेक्ट करके अपने हाउस में रखते थे। जैसे हेल्गा हैफरपफ को लॉयल और हार्डवर्किंग बच्चे पसंद थे, सेलेजर स्लिथरिन को कनिंग और एम्बिशियस, गॉडरिक ग्रिफिंडोर को ब्रेव और करेजियस, और रोयना रेवनक्लॉ को इंटेलिजेंट एंड विटी। पर उनके जाने के बाद आखिर बच्चों को सिलेक्ट कौन करता? इसलिए ग्रिफिंडोर ने अपनी हैट उतारी और चारों फाउंडर ने अपना अपना जादू उसमें डालकर उसे एनचांट कर दिया, ताकि एक निष्पक्ष वे में बच्चों का सिलेक्शन हो सके उनके स्किल्स या दिमाग के अकॉर्डिंग। अब ये एनचेंटेड हेड एनिमेटेड हो गई थी और ये बोल सकती थी, बात कर सकती थी, और जब ये किसी स्टूडेंट के सिर पर रखी जाती थी तो हैट उस बच्चे के अंदर लेजिमिनेंस से उसके दिमाग की सारी बातें पढ़ लेती थी और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का हाउस बता देती थी। हैट हमेशा ये भी कंसिडर करती थी कि बच्चा खुद किस हाउस में जाना चाहता है, और ये भी कि उस हाउस में जाने की क्वालिटी उस बच्चे में है या नहीं। अगर वो क्वालिटी बच्चे में है जिस हाउस में वो बच्चा जाना चाहता है, तो हैट उसे उस हाउस में डालने को भी कंसिडर करती थी। साल में सिर्फ एक बार जब स्कूल का सेशन शुरू होता था तो हेड को बाहर निकाला जाता था, जहां ये नए बच्चों को सिलेक्ट करती थी। उसके बाद उसे फिर से हेडमास्टर के रूम में एक शेल्फ पर रख दिया जाता था। स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के पहले हेड एक सॉन्ग भी सुनाती थी जो हर साल नया होता था, यानी वो साल भर शायद नया सॉन्ग बनाने का काम करती थी। मोस्टली ये सॉन्ग स्कूल की हिस्ट्री, प्रेजेंट या नियर फ्यूचर को लेकर होता था, या फिर उसके अपने काम और नॉलेज के ऊपर। 1958 में एंगस बुचेनन, जो कि 11 साल का एक स्क्वेब यानी नकारा था, किसी तरह बाकी स्टूडेंट के साथ हॉगवर्ट्स में घुस गया। टोपी को उसने अपने सिर पर रख भी लिया, पर टोपी ने बड़े पोलाइटली उससे कहा कि वो बहुत नेकदिल इंसान है पर वो विजर्ड नहीं, इसलिए उसे किसी भी हाउस में नहीं रखा जा सकता। यानी कोई भी मगल या स्क्वेब इस टोपी का यूज करके हाउस में सिलेक्ट नहीं हो सकता था। यानी जिनको भी कन्फ्यूजन रहा है कि आर्गस फिल्च हॉगवर्ट्स में पढ़ता था या नहीं, या उसका हाउस कौन सा था, तो फिल्च, क्योंकि एक स्क्वेब था, वो कभी भी हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ा, जैसे कि मिसेस फिग। मोस्टली हैट सभी बच्चों को उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही हाउस में ही डालती थी, पर क्या हैट हमेशा सही होती थी, या उससे भी गलतियां हुई बच्चों को सही हाउस में डालने में? गलती कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हैट बच्चे के प्रेजेंट माइंड और क्वालिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करती थी। पर जैसा कि हमें बार बार सीरीज में बताया गया है कि इंसान क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि वो क्या कर सकता है, क्या डिसीजंस लेता है। इसलिए बाद में हमें ऐसा फील होता है कि इस पर्टिकुलर इंसान को शायद गलत हाउस में डाल दिया गया था, पर ऐसा नहीं था। विद टाइम इंसान में चेंजेस आए, उसकी सोच और डिसीजन मेकिंग में फर्क आया, जो टॉपिक को सिलेक्ट करते टाइम पे नहीं पता था। तो इस वीडियो में आगे हम ये बात करेंगे कि ऐसे ही विजर्ड या विचेस जो किसी और हाउस में सेलेक्ट हुए पर बाद में उनका कैरेक्टर चेंज हो जाने के कारण उन्हें किस हाउस में होना चाहिए था। और इससे पहले कि आप मुझे पर्सनल कमेंट करना शुरू करें, तो मैं बता दूं कि ये अराउंड द वर्ल्ड फैंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल के पॉइंट्स हैं, ना कि मेरी पर्सनल चॉइस है। तो टॉप 10 ऐसे विजर्ड्स या विचेस जिन्हें टाइम के साथ किसी और हाउस में होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूना लवगुड की। तो बाकी लोगों से थोड़ी अलग, बियॉन्ड इमेजिनेशन सोच रखने वाली लूना रेवनक्लॉ में थी। रेवनक्लॉ में इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल और विटी बच्चे सेलेक्ट होते थे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लूना इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल या विटी नहीं थी। माना उसकी नॉलेज और बिलीव्स ऐसी चीजों में थी जिसमें बाकी लोग यकीन नहीं करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुद्धू या वियर्ड या पागल थी, जैसा सब उसे कहते थे। और बाद के पार्ट में लूना ने जो रोल निभाया है, उसके सारे कैरेक्टर और स्किल्स को जज करते हुए लगता है कि वो इंटेलिजेंट से भी ज्यादा ब्रेव और करेजियस थी। अपने दोस्तों का साथ देने के लिए बिना डरे वो मिनिस्ट्री से लेकर एंड बैटल तक में साथ थी। वो बहुत काइंड थी, हाउस एल से लेकर थेस्टर्स तक से वो बहुत ही दयालुता से पेश आती थी, और ये बातें उसे रेवनक्लॉ से ज्यादा ग्रिफिंडोर और हफलपफ के लिए सुटेबल बनाती है। तो अगर रिसॉर्टिंग की जाए तो लूना ग्रिफिंडोर के लिए ज्यादा सुटेबल लगती है रेवनक्लॉ की जगह।
नेक्स्ट है मिनर्वा मैकगोनिकल। मैकगोनिकल ग्रिफिंडोर में थी और उन्होंने अपनी ब्रेवरी भी कई बार दिखाई है। एक बहुत ही बेहतरीन विच होने के साथ साथ वो काफी स्ट्रिक्ट और लॉयल भी थी। पर जो बात मैकगोनिकल की पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग बनाती है वो है इंटेलिजेंस। ना सिर्फ स्पेल में अच्छा होना या अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज रखना, बल्कि पूरे स्कूल को मैनेज करने से लेकर हर चीज के बारे में उन्हें पता होता था। बच्चों की करियर काउंसलिंग से लेकर उनके सब्जेक्ट का टाइम टेबल तक वही बनाती थी। अपने टाइम में वो बहुत ही स्टूडियस थी और क्विडिच तक में बहुत अच्छी थी, और उनकी ये पर्सनालिटी उन्हें ग्रिफिंडोर से ज्यादा रेवनक्लॉ बनाती है। अगला है पर्सी वीजली। सारे ही वीजली ग्रिफिंडोर में रहे क्योंकि सभी बहुत ही ब्रेव थे, स्टडीज में भी सभी बहुत ही अच्छे थे और दिल के तो अच्छे थे ही, पर एक वीजली ऐसा था जो बाकी भाई बहनों से काफी अलग था और वो था पर्सी। कई लोग पर्सी से नफरत करते हैं, हालांकि मैं इस बात के बहुत ही खिलाफ हूँ। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का सेकंड हैंड चीजों के साथ स्कूल जाता है, पढ़ाई में वो एक्सेप्शनल होता है और इस कारण वो एम्बिशियस होता है ताकि उनके घर परिवार की स्थिति सुधर सके। इस कारण अगर वो परिवार की सोच से अलग चलता है तो वो गलत नहीं है, पर यही बात उसे ग्रिफिंडोर से ज्यादा स्लिदरिन भी बनाती है। स्लिदरिन में जाने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान था, जब जरूरत थी वो लड़ाई में आया भी और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ उसने लड़ाई भी की, पर पर्सी ओवर एम्बिशियस था। वो अपना एक अच्छा भविष्य चाहता था, फिर उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, और यही बात उसे स्लिदरिन के लिए ज्यादा सुटेबल बनाती है। अगला है नेविल। नेविल बाद में बहुत बहादुर और लॉयल साबित हुआ, पर इनिशियली वो काफी क्लमजी और बुद्धू सा लड़का था। उससे एक स्पेल भी सही से नहीं होता था। वो बहादुर था, ये बात उसने फर्स्ट पार्ट में ही साबित कर दिया था, इसलिए टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में डाला था और अपनी ब्रेवरी उसने लास्ट पार्ट तक दिखाई थी। पर ब्रेवरी से भी ज्यादा अगर नेविल ने कुछ दिखाया है तो वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, और यही बात उसे हफलपफ के लिए ज्यादा सुटेबल बनाती है। नेक्स्ट है पीटर पैटिग्रू। पेटिग्रू ग्रिफिंडोर में था और अगर अर्ली लाइफ कंसीडर किया जाए तो पेटिग्रू सच में करेजियस था। वो जेम्स सीरियस ल्यूपिन के साथ रहता था, वो बेवकूफ नहीं था जैसा कहीं ना कहीं मूवी में दिखाया गया है। उसे पता था कि किस ग्रुप में उसे ग्लैमर मिलेगा और वो कई अभियान में अपने दोस्तों के साथ निकलता भी था, जिसके लिए हिम्मत और साहस चाहिए थी, और इसलिए टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में डाला था। पर अगर हम बात की लाइफ को देखें तो ताकतवर इंसान की टीम में जाना, प्रोटेक्टेड रहे इसलिए सारी सीमाएं पार करना, अपने ही दोस्तों को धोखा दे देना, ये सारी बातें पेटिग्रू को स्लिदरिन ज्यादा बनाती है, ग्रिफिंडोर कम। इसलिए अगर रिसॉर्टिंग की जाए तो पेटिग्रू स्लिदरिन के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हैग्रिड। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फील होता है कि आखिर जेके रोलिंग ने ऐसे किया ही क्यों? क्यों हर अच्छे इंसान को ग्रिफिंडोर में डाल दिया और बुरे को स्लिदरिन में, और फिर बयान दिया कि उनका फेवरेट हाउस तो हफलपफ है, जबकि क्लियरली उन्होंने हफलपफ के साथ सीरीज में नाइंसाफी की। उसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं डाला जो सीरीज के एंड तक रहा हो और उसने अपने हाउस को जस्टिफाई किया हो, सारे के सारे ग्रिफिंडोर में डाल दिए, जैसे कि हैग्रिड। हैग्रिड ब्रेव था नो डाउट, पर ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर सीरीज में ब्रेव हैं, फिर वो वोल्डेमॉर्ट के साइड हो या डंबलडोर के साइड से हो। पर अगर हम हैग्रिड के नेचर को समझें तो वो सबसे ज्यादा काइंड था। इतने बड़ा दानवो जैसा शरीर होने के बावजूद उसका दिल किसी बच्चे जैसा इनोसेंट था। ट्रू लॉयल विजर्ड जो डंबलडोर और हैरी के लिए एंड मोमेंट तक लॉयल था। हैग्रिड अगर कुछ था तो वो था सच्चा हफलपफ, एक बेहतरीन इंसान, जानवरों से इतना प्यार करने वाला कि खूंखार जानवर तक उसे मासूम लगते थे, और वो किसी को भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने देता था। वो काफी कुछ न्यूट स्केमेंडर जैसा था, इसलिए हैग्रिड के लिए बेस्ट हाउस हफलपफ होता। नेक्स्ट है गिलरॉय लॉकहार्ट। गिलरॉय रेवनक्लॉ हाउस में था, वो हाउस जो इंटेलिजेंट और विटी लोगों के लिए था। लॉकहार्ट बचपन में कैसा था ये तो नहीं पता, पर लॉकहार्ट जो हमें देखने को मिला वो इंटेलिजेंट तो कहीं से नहीं था। वो साधारण से स्पेल तक नहीं कर पाता था, उसे कोई मंत्र ढंग से नहीं आता था सिवाय एक के, और वो था याददाश्त मिटाने का, जिसे उसने सारे दूसरे जादूगरों के काम को अपना बताने के लिए और फिर उस पर किताब लिखकर अमीर बनने के लिए यूज किया। वो ब्रेव भी नहीं था, इसलिए मुसीबत आने पर भागने को तैयार था, न ही वो लॉयल और काइंड था। उसके लिए बेस्ट हाउस था स्लिदरिन, क्योंकि वो कनिंग था, एम्बिशियस था, गलत सही में डिफरेंस किए बिना अपने स्वार्थ के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा वही चूज करता था, इसलिए वो रेवनक्लॉ से ज्यादा स्लिदरिन के लिए परफेक्ट था। नेक्स्ट है रॉन वीजली। रॉन भी बाकी वीजलीज की तरह ग्रिफिंडोर में था, नो डाउट वो ब्रेव था। उसने ये बात फर्स्ट पार्ट में ही दिखा दिया जब उसने अपने दोस्तों और सभी के लिए अपनी जान तक देने का डिसीजन लिया, और हर पार्ट में हर वक्त वो ये दिखाता रहा कि वो ब्रेव है। पर जेलेसी उस पर हावी हो गई, गलत सोच ने उसके दिमाग में घर कर लिया और हॉक्रक्स ने इस फीलिंग को 100 गुना बढ़ा दिया और वो दोस्तों को छोड़कर चला गया, पर वो अपने लॉयल्टी के कारण वापस आया। रॉन में ग्रिफिंडोर की सारी क्वालिटी थी, पर एक क्वालिटी जो ब्रेवरी से भी उसने ज्यादा दिखाई वो थी लॉयल्टी।
लॉयल्टी के कारण वो जिन मकड़ियों से इतना डरता था फिर भी उनके पीछे गया और उनका सामना किया ताकि वो अपने दोस्त हैग्रिड को बचा सके। ये लॉयल्टी ही थी जो दोस्तों को छोड़ के जाने के बाद भी उसे वापस ले आई। वो काइंडनेस थी जिसने सिर्फ उसे याद दिलवाया कि बेचारे हाउस एल्फ बेसमेंट में हैं और मारे जाएंगे अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो। इसलिए रॉन हफलपफ के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहता, पर जैसा हमें पता ही है कि टोपी पर्सनल चॉइस को ध्यान में रखती है, रॉन ग्रिफिंडोर में जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि ऐसा ना हुआ तो उसके भाई उसका मजाक बनाएंगे। उसे साबित करना था, कुछ करके दिखाना था और वो ब्रेव था, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसलिए टोपी ने उसकी चॉइस को कंसिडर करते हुए उसे ग्रिफिंडोर में डाला। नेक्स्ट है हरमाइनी। सभी लीड कैरेक्टर्स की तरह हरमाइनी भी ग्रिफिंडोर में ही थी और उसने भी हर स्टेप पर साबित किया कि वो ब्रेव और करेजियस थी। पर इस बारे में कोई दोहराय नहीं कि वो पूरी सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट विजर्ड एंड विचेस में से एक थी। हर सिचुएशन में उसने अपना दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस यूज की, नॉलेज यूज की और खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से खुद को और दूसरों को बाहर लेकर आई। हरमाइनी नो डाउट परफेक्ट रेवनक्लॉ थी, हालांकि टोपी ने उसे रेवनक्लॉ में डालने का डिसाइड भी किया था, पर रॉन की तरह उसने भी ग्रिफिंडोर में जाने की इच्छा जाहिर की और ब्रेवरी वाले पार्ट को देखते हुए टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में डाल दिया था। अब लास्ट में जाने से पहले हम कुछ ऐसे विजर्ड्स की बात करेंगे जो अराउंड द वर्ल्ड लोगों को लगता है कि उनका हाउस गलत था, पर मैंने टॉप 10 लिस्ट में उन्हें नहीं डाला क्योंकि मुझे लगता है कि उनका हाउस उनके लिए परफेक्ट था, जैसे हैरी का स्लिदरिन में होना। कई लोगों का कहना है कि हैरी को टोपी स्लिदरिन में डालना चाहती थी इसलिए वो स्लिदरिन के लिए परफेक्ट था। कई का कहना है कि उसने वोल्डेमॉर्ट को हराया, उसे रेवनक्लॉ में होना था। कई तो ये तक मानते हैं कि वो डंबलडोर के लिए इतना लॉयल था कि उसे हफलपफ में होना था, पर मेरा मानना है कई फैंस की तरह कि नहीं, वो ग्रिफिंडोर के लिए ही परफेक्ट था। बचपन से लेकर एंड तक उसने ब्रेवरी और करेज दिखाई। वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, कई बार गड़बड़ कर देता था, कनिंगनेस उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों या तक कि दुश्मन के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल लेता था। उसे टोपी स्लिदरिन में शायद इसलिए डालना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर वोल्डेमॉर्ट का भी सोल था जो 100% स्लिदरिन था, पर हैरी स्लिदरिन में नहीं जाना चाहता था इसलिए टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में डाला। हैरी के अंदर स्लिदरिन वाली कोई भी क्वालिटी नहीं थी, ना वो एम्बिशियस था और ना ही कनिंग। वो एक नेक दिल इंसान था जो स्टडीज में अबव एवरेज था पर सुपर इंटेलिजेंट नहीं, पर बहादुरी उसमें कूट कूट कर भरी थी, यहाँ तक कि अपनी जान तक का सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखता था वो, और ये बात उसे सच्चा ग्रिफिंडोर बनाती है। नेक्स्ट है ड्रेको को ग्रिफिंडोर में होना था, जिसे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। मूवीज ने टॉम फेल्टन को कास्ट करके कहीं ना कहीं ड्रेको को क्यूट और फिर बेचारा सा दिखाया है, पर सच तो यह है कि ड्रेको का कैरेक्टर लिखा ही इस तरह गया है कि वो सच्चा स्लिदरिन था। वो घमंडी था, कनिंग था, उसने अपने पसंद से वोल्डेमॉर्ट का साथ चुना और उस पर प्राउड फील किया था। वो तो उसे ऐसा काम दे दिया गया जो उससे नहीं हो पा रहा था और पिता और खुद की जान दांव पर लगी हुई थी, इसलिए उसने उड़ना और घमंड करना बंद कर दिया था। उसने हैरी की भी जब मदद की, वो दरअसल मदद करने की नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट को बुलाने से बचना चाहता था। वो डरपोक था, एंड फाइट में भी वो अपने परिवार के साथ भाग गया था, ना कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा। उसने बहादुरी कहीं नहीं दिखाई, तो उसका ग्रिफिंडोर होना बिल्कुल ही गलत है। स्लिदरिन ही उसका परफेक्ट हाउस था। और फाइनली लास्ट पर है स्नेप का ग्रिफिंडोर होना। जिस टाइम टोपी ने स्नेप को सिलेक्ट किया, वो खुद स्लिदरिन में जाना चाहते थे। उनकी मम्मी भी स्लिदरिन हाउस में थी। वो एम्बिशियस थे इसलिए हमेशा जेम्स सीरियस ल्यूपिन से कंपटीशन में रहते थे, फिर वो पढ़ाई से हो या स्कूल से निकलवाने की, आगे बढ़ने की चाह, अच्छाई बुराई सही गलत सबसे आगे थी उनमें। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सोचते समझते हुए वोल्डेमॉर्ट को चुना था और डेथ ईटर बने थे। तो इनिशियली टोपी बिल्कुल सही थी, पर फिर टर्निंग पॉइंट आता है। कनिंग और सेल्फ सेंटर्ड इंसान ब्रेवरी की तरफ चला जाता है बिकॉज ऑफ लव। वो डंबलडोर की तरफ हो जाता है, अपनी जान को रिस्क में डालते हुए डबल एजेंट बन जाता है और ये बात उन्हें मोर टुवर्ड्स ग्रिफिंडोर ले जाती है। हैरी ने भी एंड में कहा था कि स्नेप सबसे बहादुर इंसान है जिन्हें वो आज तक जानता है और बहादुर और ब्रेव लोगों का हाउस ग्रिफिंडोर था, इसलिए अगर रीसॉर्टिंग की जाए तो स्नेप डेफिनेटली ग्रिफिंडोर में होते। तो दोस्तों ये थे वो 10 विजर्ड्स जो इनिशियली किसी और हाउस में चुने गए, पर विद टाइम उनके डिसीजंस ने उनके नेचर को बदल दिया और वो दूसरे हाउस के लिए सुटेबल हो गए। पर एक बात तो प्रूव होती है कि सॉर्टिंग हेड का डिसीजन कहीं भी गलत नहीं था। हैरी ने भी हैग्रिड से एक बार पूछा था कि क्या टोपी किसी को गलत हाउस में डाल सकती है, जिस पर हैग्रिड ने कहा था कि टोपी हमेशा सही होती है। लोगों को लगता है कि शायद वो गलत हाउस में चुन लिए गए, पर इवेंचुअली टोपी हमेशा सही होती थी, एटलीस्ट जिस टाइम उस इंसान को हाउस में डाला जा रहा हो तब वो कैसा था ये देखते हुए। और यही बात जेके रोलिंग ने भी अपने इंटरव्यू में क्लियर किया कि टोपी कभी भी गलत नहीं थी।
आपका क्या सोचना है इस बारे में, किसका हाउस सिलेक्शन गलत हुआ? क्या वो सीमस था जिसे रेवनक्लॉ में होना था, या फिर रीमस जिसे हफलपफ, या जिनी जिसे स्लिदरिन में होना था, या किसी और को किसी और हाउस में होना था, और उसके पीछे क्या रीजन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी कि लिस्ट में जो फैंस का कहना है कि इनके क्या हाउस होने थे, आप उससे अगर अग्री नहीं करते तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।